पटना में आज सुबह से ही मौसम सुहाना लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि चार दिनों पाँच दिनों से जो सप्ताह भर से भीषण गर्मी चल रही थी उसके बाद बारिश की संभावनाएं तेज हो रही थी और लगा कि पटना में लोग एक तो लॉकडाउन से और ऊपर से सभी रोड और गलियों को जिस प्रकार से सील किया जा रहा था बांस और बल्लियों से, तो पटना के लोग ऐसे ही परेशान थे ऊपर से गर्मी। और जो आज जिस प्रकार से बारिश हो रही है कहीं ना कहीं पटना वासियों को राहत मिला होगा। और ये झमाझम बारिश पटना के मौसम को न केवल सुहाना बनाता है बल्कि जो लोग घर में थे, घर में से निकलने का नहीं कहा गया है, लॉकडाउन की पालन करने के लिए कहा गया है, तो लोगों को खासा गर्मी का एहसास और महसूस हो रहा था। मगर मौसम उसमें सबसे बड़ा बाधक बन रहा था कि ऊपर से गर्मी और घर में ही रहना है, तो अब हर घरों में एयर कंडीशन नहीं होता है, तो इस कारण से लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। और लोग इतने गर्मी अगर होंगे तो लोग घर में ही रहने के लिए कहा जाएगा, तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके बीच पटना के लिए एक खुशखबरी का विषय यह है कि उन्हें इन झमाझम बारिश के मौसम में मौसमों का सुहाना मौसम जो है उसमें एक अंदाज होता है और लोग इसका आनंद ले रहे हैं। जैसा कि दिख रहा होगा पिक्चरों में, पेड़ और हवाओं में एक प्रकार से अभी मौसम में जो सुहानापन आया है उससे पटना वासी के लिए जो गर्मी, जो टेम्परेचर जो बढ़ गया था फिलहाल एक सप्ताह में, उसमें कमी आएगी, गिरावट आएगी और दो तीन दिन मौसम ठीक रहेगा। वैसे अगर बता दें तो बिहार में, आधा बिहार में बाढ़ का प्रकोप ऐसे भी रहता है और इस बार भी है। सरकार, प्रशासन, व्यवस्था तमाम तरह के जुटी हुई है कि जिन जिलों में बाढ़ है, चाहे वह कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी और हाजीपुर के क्षेत्रों में, दरभंगा और समस्तीपुर के क्षेत्रों में कई पंचायत अभी से ही डूबने लगे हैं, यानी महीना दो महीना बिहार को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। और जो राहत कार्य पहुँचाए जा रहे हैं और तमाम प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने के बाद भी जो बाकिया देखने के लिए मिलता है कि लोगों को परेशानी होता है, तीन चार महीने वो किस तरह से काटते हैं, यह एक व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मगर फिलहाल पटना में जिस प्रकार से बारिश पड़ रहा है वह एक शुभ संकेत है, मगर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि कहीं नाली में जाम न लग जाए, नाला नाली जाम न हो जाए। अगर वह जाम होगा तो फिर से पिछले ही साल जिस प्रकार से सड़कों पर नाव चलने का बाकिया देखा गया था वह इस बार भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल पटना की इन तमाम खबरों में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और जिस प्रकार से पटना में बारिश हो रही है वह ये लगता है कि लंबा बारिश होगा और तमाम प्रकार के फील्ड और पार्क जो जिस प्रकार से बंद हैं तो उससे भी पटनावासी एक तरह से अकुलाए हुए महसूस कर रहे थे। तो इन सभी के बीच यह बारिश कहीं ना कहीं सुकून देने वाली एक बाकिया पेश करता है और लोग इस सुहाने मौसम का अंदाज का लुत्फ़ उठाएंगे और उठा रहे हैं। मगर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है और लोगों को हिदायत दी गई है, नगर और गलियों में सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जिन घरों और जिन बिल्डिंगों से या जिन गलियों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उन सभी को जगह को बांस और बल्लियों से घेर दिया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही राहत देने के लिए यह खबर, यह मौसम है, झमाझम बारिश पटना में। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद।